अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और खूब मेरी वीडियोस को आप इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में 4 महीने स्टे के बाद अब कल हम जा रहे हैं वापस इंशाल्लाह पाकिस्तान। 4 महीने इतने ज़बरदस्त गुजरे, लेकिन जाने से एक दिन पहले अब मुझे फ्लू हो गया है, जिसकी वजह से आज खासी मैं आपको डाउन दिखाई दे रही होंगी, लेकिन कल तक उम्मीद है कि बहुत बेहतर हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ की शादियाँ भी दिखाई, लेकिन कल जो शादी हमने अटेंड की, उफ़, काबिले रश्क शादी थी। इसलिए नहीं कि वो बहुत कोई शानदार थी, शानदार तो थी, लेकिन मुझे जो चीज़ पसंद आई वो ये आई कि शादी के मौके पे सब लोग टेबल से डाउन डिनर था। वो वीडियो में मैंने आपको बताया भी है किस तरह सारा उन्होंने अरेंज किया हुआ था, लेकिन चीज़ जो अच्छी लगी वो ये हर बंदे के आगे प्लेट में थोड़ी थोड़ी जो भी चीज़ थी वो ला के रखी जाती थी, फिर बहरे आते थे वो प्लेटें उठा लेते थे, और उसके बाद फिर दूसरी प्लेट में चिकन का कोई पीस या कोई बीफ का पीस या कोई इस तरह का बड़ी खूबसूरत सजे हुए, मैंने तस्वीरें बनाई आपको दिखाऊंगी वो देखे। उसके बाद फिर कुछ देर बाद, 20 मिनट बाद या कुछ इस तरह करके ना, वो आके प्लेटें उठा लेते थे और फिर अगली चीज़ ले आते थे। इतना काम, इतना पीसफुल, इतना क्या कहते हैं कि खुशगवार माहौल था कि मैं आपको क्या बताऊं। हमारे यहाँ जब खाना लगता है और उसके ऊपर जो हड़ूश होता है, ओह कुछ ना पूछे, और जो बहरे या जो भी वहाँ के होते हैं वो यूँ लाला के पराते खाने की, चिकन बिरयानियाँ और पता नहीं क्या क्या उसमें उंढेल रहे होते हैं, अजीब वो मंज़र होता है। मुझे तो ये इतना अच्छा तरीका लगा कि मैं सोच रही हूँ कि जाके मैं होटल के मुंतजमीन से बात करूँ कि अगर सिट डाउन डिनर में इस तरह बैरे ला के एक सिलेक्टेड चीज़ों की प्लेटें रख दें, या हमारे यहाँ तो चलो इस तरह के खाने हो ही नहीं सकते, लोग इंजॉय नहीं कर सकते, ये तो मतलब नॉन पाकिस्तानी कह लें खाना था, उसमें ये कर सकते हैं कि कम से कम मेज़ पे ना हर चीज़ का एक एक डोंगा रख दें। उस मेज़ पे 8 बंदे जो बैठे हैं उस डोंगे के लिए काफ़ी होंगे, वो अपनी अपनी प्लेटों में डाल लें। ये जो एक लाइन में बुफे लगा होता है और उस पर लाइनें लगी होती हैं और बोटियाँ टूटी जा रही होती हैं और ये वो, ओह मैं तो बहुत देर से उठती हूँ और बड़े आराम से जो चीज़ लेनी है लेके फिर आके बैठ जाती हूँ, उसको एंजॉय किया, फिर दूसरी ली। लेकिन मैं देखती हूँ लोगों ने प्लेटों में हर चीज़ डालनी होती है, हर चीज़ तो आप खा भी नहीं सकते, खाना तो दूर की बात है चख भी नहीं सकते। बहरहाल मैं आपको शादी का, कल का शादी का हाल दिखाती हूँ, वो वीडियो मैंने बनाई है, अगर इतनी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बनाई है तो आप देखिएगा। हाँ एक बात बता दूँ कि जो लड़की वाले थे ना, दुल्हन वाले थे, नॉन पाकिस्तानी थे, दे वर मुस्लिम्स, दे आर, लेकिन फारसी स्पीकिंग थे और वो पाकिस्तानी नहीं थे। लड़का पाकिस्तानी है आई थिंक, डॉक्टर और लेकिन बहुत बड़े सर्जन का बेटा है। और जनाब जी बहुत अच्छी शादी थी, मेहंदी भी मैंने आपको दिखाई, फिर मैंने आपको क्वाली नाइट भी दिखाई, फिर इस तरह करके मैंने कोशिश की है कि मैं आपको यहाँ की शादियों से भी और मुतारफ़ कराने के अलावा, फिर मैं पाकिस्तानी जो यहाँ पे नजाद लोग हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे जितनी मोहब्बत दी, जितना प्यार दिया, जितनी इज्जत दी, उसके लिए मैं तहे दिल से उनके लिए बहुत मशकूर हूँ। और मैं कहूँगी कि अगर 10 साल पहले ख्याल आता तो यहाँ अगर हम आ भी जाते तो बहुत आराम से रहा जा सकता था, क्योंकि इतना कानून की पासदारी है, सुकून है और सब कुछ है। लेकिन बात फिर वहीं आके रुकती है कि जो सुख अपने चबारे ना बलख ना बुखारे, कितना भी खूबसूरत है लेकिन अपना मुल्क फिर अपना ही होता है। बहरहाल ये तो एक मैंने ऐसी बात कह दी मोहब्बत में, अदरवाइज़ कल इंशाल्लाह हम अपने वतन में जा रहे हैं और जो वीडियोज़ मेरी यहाँ की बनाई हुई रह गई हैं वो मैं वहाँ से आपको अपलोड कर दिया करूँगी, ठीक है? तो बाकी जो क्या उसको कहते हैं रास्ते का सफ़र है, वो मैं आपको कोशिश करूँगी कि रास्ते के सफ़र से भी अच्छी तरह आपको इन्फॉर्म करती रहूँ, ठीक है? इसके साथ अब मैं आपको ज़रा शादी की झलकियाँ दिखाती हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। आपकी एक वीडियो बननी चाहिए थी वैसे। कौन सी? हाँ जी हाँ जी, हो गए रवाना? अच्छा कमाल, आप हमसे पहले ही ना पहुंचे। अच्छा सुनिए राशिद, बात सुनिए। हेलो,
जा रहे हैं एक शादी पे और जनाब जी वो है क्राउन, आगे क्या है क्राउन के कैसीनो, कैसीनो लाचा उठाएंगे वहाँ पे है शादी, क्राउन प्लाजा नहीं क्राउन कैसीनो। और जो लंबा हमारा ये सफ़र हो रहा है, मैंने कहा थोड़ी सा आपको उसका तारफ करवा दूँ रास्ते का, मेलबर्न सिटी का। जनाब जी क्राउन आ गया है, आप देखें हम कहाँ उतरते हैं। ओ लंबी लाइनें हैं, गुड ब्यूटीफुल होटल, सो प्रिटी, बड़ी रौनक है। ये चाइनीज न्यू ईयर्स के जो है ना सारे जानवर यहाँ पे लगे हुए हैं। आफ्टर ऑल हम सफर तय करके पहुँच ही गए, लंबा सफर था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? व्लॉगिंग चल रही है। ये जी आज हम आए हैं रिसेप्शन पे यहाँ के एक होटल में। गुड गुड, कैसी है? ठीक ठाक। गुड, सब लोग मिल रहे हैं, हालांकि अभी कल मिले थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कुछ और था जी। ये है रिसेप्शन और जनाब रिसेप्शन पे लोग आ रहे हैं। आज मैं तो देखूंगी मलबूसात ऑस्ट्रेलिया में। हेलो अस्सलाम वालेकुम, ये जी दुल्हन के रिलेटिव्स हैं, दुल्हन के रिश्तेदार हैं। ये खवातीन जो दुल्हन की रिश्तेदार हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ, और जो आपको झाड़ियों में नज़र आए वो दूल्हा की रिश्तेदार हैं, जो वेस्टर्न ड्रेस में नज़र आए वो दुल्हन की रिश्तेदार हैं। ये दुल्हन वालियाँ हैं, दुल्हन की रिश्तेदार। ये क्या देख रहे हैं? टेबल्स। अच्छा, नंबर्स है ना, फिर वो उसके हिसाब से टेबल पे आ बैठे। अच्छा, ये टेबल्स के नंबर हैं जी, नाम के हिसाब से आपने उस नंबर की टेबल पे बैठना है। ठीक है, का देखते हैं ना, उसके साथ ही हमारा भी होगा के और आपका। नादिया ये खालिद रशीद तो लिखा हुआ है 16 नंबर। ओके 16। सोबिया 21। सोबिया 21 है और नादिया 6। वाओ ब्यूटीफुल नंबर 16, वेरी नाइस, डेकोरेशन तो बहुत जबरदस्त है, जबरदस्त डेकोरेशन। फोर हमने देखना है, 16, 9, 10, 18, 17,
16. Assalamu alaikum. Fine. Thank you. This is 16. ये जी हमारी टेबल और नंबर वाइज सब अपने अपने नाम देख के अपनी अपनी टेबल पे बैठ रहे हैं. ठीक है, मैं यहाँ पर्स रख देती हूँ. साड़ी में जितनी खवातीन हैं आप वो समझ जाएं कि वो लड़के वाली साड़ी शलवार कमीज दुपट्टा. जनाब नदीम साहब हैं, राशिद आ गए, ये चमक दमक वाली जो खातून है ये सब लड़की वाली हैं. ये जी खालिद आ रहे हैं, साथ नादिया है. ये मैं तो टेबल का 16 नंबर पढ़ के यहाँ बैठ गई, ये नहीं पता था कि हर चेयर के आगे नाम भी लिखा हुआ है. ये मेरा नाम लिखा हुआ है, ये खालिद का नाम लिखा हुआ है और ये नादिया का नाम लिखा हुआ है. सबके आगे नाम लिखे हैं. फोटो बना लू पहले, जरा और पीछे हटो ना. वाओ ब्यूटीफुल मनाज. ब्यूटीफुल चले सोफिया भी है. सोफिया वेरी नाइस गुड. नेक्स्ट भी जो साहब बैठे हैं उनका नाम भी खालिद है और ये फातिमा है, जिन्होंने एक प्रोग्राम में एक डिनर में अपनी पोएम भी पढ़ी थी, बड़ी इमोशनल टाइप की, कि वतन से दूर कैसे याद करते हैं वतन को. Bride's parents ki entrance. Assalamu alaikum uncle and auntie. Assalamu alaikum. Now please welcome Mariam's glamorous sisters and their families, Angi with her husband Andrew and her children Aiden and Anara. Daughters, Ira and Ayana, and Kanishka, Mary's brother.
Why?
down.